ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर है, दरअसल बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक, लाखन सिंह मीणा के आवास पर ये बैठक हो रही है। राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली, संदीप यादव पहुंचे हैं। कल होने वाली रायशुमारी से पहले ये बैठक हो रही है। कल की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दरअसल ये कि बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उन विधायकों की बैठक हो रही है। लाखन सिंह मीणा के आवास पर यह बैठक हो रही है। इस बैठक के अंदर राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली और संदीप यादव पहुंचे हैं, यानी कि दो नहीं पहुंचे हैं, जोगिंदर अमाना और दीपेंद्र। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल होने वाली रायशुमारी से पहली बैठक हो रही है और दीपचंद खैरिया इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कल की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह है कि क्या अभी भी ये खुद को बसपा से कांग्रेस में आए वो छह विधायक मानते हैं जो पूरे तरीके से कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पाए, इसलिए इस तरीके की बैठकें बार बार होती हैं? क्योंकि अगर ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो फिर इस तरीके की अलग से बैठक करने की जरूरत क्या है? मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, एक सवाल खड़ा होता है, बार बार इस तरीके की बैठक होना, क्या यह संकेत नहीं देता कि बसपा से कांग्रेस में आ तो गए हैं लेकिन कांग्रेस के समस्ते नहीं और इसलिए बार बार इस तरीके की बैठक अलग से होती है? विजेंद्र, बहुत अच्छा सवाल आपका है। और यहाँ पर क्योंकि कल रायशुमारी होनी है तो इस बैठक का मकसद ये है कि छह के छह विधायक एक बात ही अजय माकन के सामने रखें, क्योंकि एक साथ ही नहीं मिलेंगे, अलग अलग करके और अलग अलग जिलों के हिसाब से इनकी कैटेगरी बनाई गई है और छह विधायक छह अलग अलग जिले से आते हैं, अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग समय इनको दिया जाएगा। तो ऐसे में जब भले अलग अलग मिले लेकिन बात छह की एक रहनी चाहिए, एक राय होने की जो रणनीति है वो इस वक्त लाखन सिंह मीणा के घर पर विधायक जुटे हैं, क्योंकि जो एक फॉर्मूला बनाया गया अब तक जो जिसका संभावना है उस फॉर्मूले के तहत दो जो फर्स्ट टाइमर है वो मिनिस्टर बनने को लेकर उस पर संशय है जी। तो यहाँ से जो छह विधायक है इनमें राजेंद्र गुड़ा का नाम जो काफी प्रमुखता से चल रहा है, लेकिन बाकी जो विधायक है वो उनको किस तरह की भूमिका मिलेगी जी, इसको लेकर ये जो कांग्रेस को सपोर्ट किया था इन विधायकों ने, तमाम लोग अपनी बात भी रखेंगे और अशोक गहलोत के प्रति इनका समर्थन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिख रहा था जी। तो कमोबेश वही हमें रायशुमारी के दौरान वो रहना चाहिए, कहीं कोई बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है योगेश, दो विधायक और नहीं पहुंचे, दीपचंद खेरिया और जोगिंद्र अवाना, कोई खास वजह? एक्चुअली ये थोड़ी देर बाद में मुझे लगता है बैठक में वो भी आ जाएंगे और या रास्ते पे होंगे। सभी छह विधायक एक है, सभी छह विधायकों को एकजुट रहना है, कल यही संदेश इस बैठक से निकल कर आएगा। रणनीति यही है कि रायशुमारी जो हो उसमें कोई भी छह विधायक कोई अलग हटके कोई बात नहीं करे, सबकी एक राय उस बैठक में रहे, जो भी बात फीडबैक के दौरान अजय माकन को बोली जाए। बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।